राजपूत आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल नैतिक नव्या पे। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कोई भी ऐप पर फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हैं, और इसमें हम लोग की नई नई वीडियो आती रहती है। और आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही अमेजिंग चीज़ बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा कि हमारे आने वाली नए टेक्निकल वीडियोज़ की लिंक सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलते सबसे हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हमने आपको बता ही दिया कि आज हमारी वीडियो किस चीज़ के बारे में है। तो चलिए सबसे पहले आपको अपने कोई भी ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए आपको सबसे पहले ये जो सेटिंग ऐप है इसको आपको ओपन करना होगा। और फिर उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको जो है एक ऐप सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको सबसे नीचे में एक ऐप लॉक का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो आपको नीचे जो है एक टर्न ऑन का भी ग्रीन कलर में ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपसे ये एक पासवर्ड मांगेगा, आप अपना कोई भी पासवर्ड जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अभी अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। फिर आपको एक और बार कन्फर्म करने के लिए अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा, और फिर आपको जो नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको नीचे जो है एक ऐड का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस पर ऐड पर क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपको जो है कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस दिखेगा, तो आपको आपको ऊपर में एक सेटिंग का जो है आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर अनलॉक विद फिंगरप्रिंट का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, जो भी जो इनेबल नहीं हुआ है, तो अभी हम इसे इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद ये सिर्फ उसी उन्हीं लोगों के मोबाइल में लगेगा जिन लोगों के मोबाइल में आप अपने बैक में फिंगरप्रिंट का वो रहेगा, जो ऑप्शन रहता है जिससे हम अपनी फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। फिर ये दिखाएगा वेरीफाई योर फिंगरप्रिंट, तो आपको अपने पीछे जो आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देगा उस पर आपको अपनी फिंगर जो है रखनी है। फिर उसके बाद जो है ये अनलॉक विद फिंगरप्रिंट का ऑप्शन अपने आप इनेबल हो जाएगा। फिर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको जिस भी ऐप में अपना फिंगरप्रिंट लॉक लगाना होगा आपको उस एप्लीकेशन पर आपको जो है ऐप इनेबल कर देना है आगे वाला, तभी हमें जिस पर अपना ये फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है उसको हम अभी इनेबल कर देंगे। चल दोस्तों, इनेबल करने के बाद आपको जो है बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अभी हम देखेंगे कि हमने जो जो ऐप में ऐप लॉक लगाया था अब हम वो ऐप को खोल के देखेंगे। तभी हमने ये दोनों ऐप में जो है अपना फिंगरप्रिंट लॉक लगाया था, तो हम ये खोल के देखेंगे। देखिए, तो आपको यहाँ पर ऊपर फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन दिखेगा और नीचे में आप अपना पासवर्ड लिख के भी आप कर सकते हैं। तभी हम फिंगरप्रिंट से खोलेंगे, देखिएगा हम बिना पासवर्ड लिखे इसको खोल लेंगे। देखिए दोस्तों, तो ये ऐप जो है खुल चुका है। और इसी की तरह आप कोई भी ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं, और उसमें आप अपने फिंगर से आराम से उसको खोल सकते हैं। चलिए दोस्तों बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब के बटन के बगल में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाइएगा, जिससे हमारी आने वाली टेक्निकल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो बाय, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।